कर रही हैं, सुनिए। अतप्रत देश प्रेमियों ने अनेक जख्म उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। उनके अथक प्रयासों के बल पर भारत की आत्मा सदियों की नींद से जाग उठी। अंतरधारा के रूप में सदैव विद्यमान रही हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की। मार्गदर्शक नक्षत्र की तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न परंपराओं और उनकी विविध अभिव्यक्तियों को एकजुट किया। साथ ही सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब आम्बेडकर तथा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक महान जननायक भी सक्रिय थे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी समुदायों ने भाग लिया। आदिवासियों में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक और फूलो जानो जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की आप सराहना हो रही है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगले वर्ष उनकी 150वीं जयंती का उत्सव राष्ट्रीय पुनर्जागरण में उनके योगदान को और अधिक गहराई से सम्मान देने का अवसर होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 14 अगस्त को हमारे देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। ये विभाजन की भयावहता को याद करने का दिन है। जब हमारे महान राष्ट्रों का विभाजन हुआ तब लाखों लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा। लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वतंत्रता दिवस मनाने से एक दिन पहले हम उस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी को याद करते हैं और उन परिवारों के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं जो छिन्न भिन्न कर दिए गए थे। हम अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारी नवस्वाधीन राष्ट्र की यात्रा में गंभीर बाधाएं आई है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के संवैधानिक आदर्शों पर दृढ़ रहते हुए हम इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत विश्व पटल पर अपना गौरवशाली स्थान पुनः प्राप्त करे। इस वर्ष हमारे देश में आम चुनाव हुए। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ थी, जो एक ऐतिहासिक कीर्तिमान है। मानव समुदाय इतिहास की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया का साक्षी बने। इस तरह के विशाल आयोजन के सुचारू और त्रुटि रहित संचालन के लिए भारत का निर्वाचन आयोग बधाई के योग्य है। मैं उन सभी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने भीषण गर्मी का सामना करते हुए मतदाताओं की मदद की। इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना वस्तुतः लोकतंत्र की विचारधारा का प्रबल समर्थन है। भारत द्वारा सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करने से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक शक्तियों को ताकत मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच 8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित है उनकी सहायता करने के साथ साथ उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए COVID-19 के शुरुआती चरण में आरंभ की गई PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग हाल ही में गरीबी से बाहर आए हैं उन्हें पुनः गरीबी में जाने से रोका जा सके। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शीघ्र ही विश्व की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ये सफलता
किसानों और श्रमिकों की अथक मेहनत, नीति निर्माताओं और उद्यमियों की दूरगामी सोच तथा देश के दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही संभव हो सके। हमारे अन्नदाता किसानों ने उम्मीदों से बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया है। ऐसा करके उन्होंने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और हमारे देशवासियों को भोजन उपलब्ध कराने में अमूल्य योगदान दिया है। तो आप